आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारा देश, हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। कुछ रीत जो शायद हमारा मन नहीं मानता, फिर भी हमें निभानी है। ऐसी ही एक रीत कन्यादान। आज इसी पर कुछ लाइनें आपके सामने। कैसे दे देता है इंसान जिस्म को शरीर से काट के, कैसे दे देता है इंसान जिस्म को शरीर से काट के, वो भी मुझे आसान लगा बेटी के कन्यादान से। कैसे अपने जिगर के टुकड़े को किसी और को सौंप दूं, एक रीत निभाने को, उससे अपनी ममता की हर बंधन को तोड़ दूं। 9 महीने गर्भ में पाला जिसे, बचपन से इन हाथों ने संभाला जिसे, उसकी जुदाई मेरा अस्तित्व मिटाती है, उसकी यादें मेरा कलेजा चीर जाती है। माना कि खुशी की घड़ी है, बेटी भी अब उचली बड़ी है, वो दिन भी आ गया जब करूंगी उसके पीले हाथ। दुल्हन सा वो सजेगी, पहन जोड़ा लाल, लेकिन उसकी विदाई के नाम से मेरा पूरा बदन सिहर जाता है। सच कहूँ तो मन ही मन मेरा रोम रोम कांप जाता है। फिर भी मुझे ये रीत निभानी है, बरसों से चली आई ये परंपरा पुरानी है। विदा होते हुए उसने अपनी खामोशी में ही पूछ लिए मुझसे कई सवाल। माँ, मुझे ही क्यों पराया करती हो, आप तो कहती थी ना बेटे और बेटे में कोई फर्क नहीं, खुद समझाती हो और खुद ही अपनी बातों से किनारा करती हो। खुद ब खुद उसकी आंखों से भी आंसू झलक गए। मैं निःशब्द उसकी हर बात सुनती गई। उसकी हर वो बात सच थी ये जानते हुए भी मैं विदाई का दायरा बुनती गई। आज निभाई है ये रस्म कन्यादान, बेटी को विदा करके, पर मेरा अंतर्मन आज भी मुझे कचोटता है एक प्रश्न चिन्ह लेकर। ये कैसी रीत बनाई है, क्या बेटी होती सचमुच पराई है। बेबस थी मैं इसके आगे, नहीं था उसके किसी प्रश्न का जवाब, बस इतना समझ पाई, ना ही है इससे बढ़कर कोई बलिदान, माँ बाप को करना ही पड़ता है, कलेजे पर पत्थर रखकर बेटी का कन्यादान। धन्यवाद।